हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, इसके क्या एडवांटेज होते हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मॉडर्न सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। अगर हम बात करें मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सेकेंडली इम्पॉर्टेंट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस ऑर्गनाइजेशन, इन द बिजनेस ऑर्गनाइजेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द पर्सन हु आर नॉट टुगेदर बट दे वॉन्ट टू कंडक्ट सच काइंड ऑफ मीटिंग विच इज रिलेटेड टू बिजनेस प्रैक्टिसेस, दैट मीटिंग दे कैन होल्ड, दे कैन कंडक्ट विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ वे वेयर वी कैन कम्युनिकेट, वी कैन सी एंड हेयर अदर वन, द पर्सन हु आर नॉट टुगेदर, दे आर सिचुएटेड इन द डिफरेंट कंट्रीज, और तब भी वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सपोज आपकी मीटिंग किसी एक्सटर्नल पार्टी के साथ चल रही है, द पर्सन हु आर नॉट इन योर कंट्री, जो आपकी डोमेस्टिक कंट्री या फिर जो भी आपकी कंट्री है उसमें वो नहीं है, तब भी वो क्या कर रहा है, आपके साथ मीटिंग कंडक्ट कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हाउएवर इज द क्लोजर इट गेट्स टू सी एंड हियरिंग वन अनदर विदाउट बीइंग प्रेजेंट टुगेदर, ठीक है। द पर्सन हु इज नॉट विद यू बट ही एंड शी कैन कंडक्ट अ मीटिंग विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करोगे, जब भी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, प्रॉपर इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, और उसके बाद जाके आप अपनी जो भी आपकी बिजनेस मीटिंग्स हैं, जो भी आपका पर्पस है कम्युनिकेशन का, वो कंप्लीट कर सकते हो। तो वो हम बात कर रहे हैं। द टेक्नोलॉजी यूज इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आर मॉनिटर स्क्रीन, कैमरा, माइक्रोफोन, कोडेक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिसोर्स आपके पास होने चाहिए, प्रॉपरली सारे रिसोर्स को आप प्रॉपरली स्ट्रक्चराइज करोगे, तब जाके फाइनली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को कंडक्ट कर सकते हो। प्रॉपरली टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, कैमरा प्रॉपर होना चाहिए, माइक्रोफोन प्रॉपर होना चाहिए, ताकि आप सारी वॉइस आपको ईजिली ऑडिबल रहे। तो इस तरीके से हम क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। इक्विपमेंट कंट्रोल पैड ऑफ ईच लोकेशन एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी विद पासेज ऑफ टाइम, दिस इज बिकॉज ऑफ पॉपुलर एंड ईजियर टू यूज, द पार्टिसिपेंट गेट इनटू अ स्पेशल रूम एट द रिस्पेक्टिव लोकेशंस, ठीक है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, प्रॉपरली इक्विपमेंट आप सारे अरेंज करेंगे। इक्विपमेंट कंट्रोल पैड ऑफ ईच लोकेशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपरली होनी चाहिए विद पासेज ऑफ टाइम, दिस इज बिकॉज ऑफ पॉपुलर एंड ईजी, जो भी हम बात कर रहे हैं जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेरी पॉपुलर इन द टूडे प्रेजेंट टाइम, इन द प्रेजेंट टाइम इन द बिजनेस प्रोस्पेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द बिजनेस मैन। सपोज हम बात करते हैं किसी भी एक एक्सपोर्ट फर्म की, एक्सपोर्ट फर्म क्या है, उसके बहुत सारे मर्चेंडाइजर हैं, मर्चेंडाइजर क्या कर रहे हैं, बायर को से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और फाइनली उनके कॉन्टैक्ट के थ्रू फाइनली फिर क्या हो रहा है, हमें ऑर्डर मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के ही बायर को फैसिलिटेट कर सकते हैं, और बायर अगर जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, बायर कहाँ है, यूएसए में है, ठीक है। अब यूएसए में वो कहीं पे भी है, वहां पे आप उस इंडिया में बैठे बैठे उसके साथ मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, उसको अपने सैंपल्स दिखा सकते हैं जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर जो भी आपके गुड्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आप प्रॉपरली मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हो, और आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं कम्युनिकेशन के, आप उनको कंप्लीट कर सकते हो। तो लेकिन वो किसके थ्रू पॉसिबल है, वो प्रॉपरली टेक्नोलॉजी और जो भी हमारे सेटअप इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली आप स्ट्रक्चराइज करोगे, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। द पार्टिसिपेंट गेट इन टू अ स्पेशल रूम एट द रिस्पेक्टिव लोकेशंस, ठीक है, दे कैन सी एंड हेयर स्पीक द अदर एंड शो द एग्जिबिट विदाउट फिजिकल प्रेजेंस टूगेदर, ठीक है। फिजिकल प्रेजेंस एक साथ नहीं है, फिर भी वो क्या कर सकते हैं, दूसरी पार्टीज को सुन सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, ठीक है, उनको देख सकते हैं, और जो भी
टॉपिक चल रहा है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का, उसको हम प्रॉपरली वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। एक साथ बहुत सारे लोग बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने जो भी उनके कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज क्या है, नो टाइम कॉन्स्टेंट, कोई टाइम कॉन्स्टेंट नहीं है, ड्रामेटिकल ट्रैवल सेविंग, जी हाँ, इजी कम्युनिकेशन है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये थे कुछ एडवांटेज, इजी है एडवांटेज, कोई भी टाइम कॉन्स्टेंट नहीं है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ड्रामेटिकल ट्रैवल सेविंग है, सेकेंड एडवांटेज, इजी कम्युनिकेट टू अदर वन, थर्ड वन एडवांटेज, एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। कोई भी डिले नहीं है, इजीली आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी डे टू डे टारगेट हैं आप उनको मीटिंग के थ्रू कंडक्ट करके भी पूरा कर सकते हो, अगर जो भी आपका कोई ऑब्जेक्टिव है। डिसएडवांटेजेस में अगर मैं बात करूँ, लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन, कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, पहला डिसएडवांटेज। हम प्रेजेंस एक दूसरे के साथ फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, खाली हम स्क्रीन पे दूसरे लोगों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है, और जो भी चीज़ें शेयर की जा रही हैं उनको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट कोई पर्सनल इंटरेक्शन वहाँ पे नहीं है, पर्सनली आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स, जी हाँ, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है अगर प्रॉपरली टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे सपोज मीटिंग इज गोइंग ऑन, दैट टाइम देर इज नो प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी, सो यू हैव सफर्ड, यू कैन फेस नंबर ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे सपोज यूर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, वॉइस इज कट, ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ सकती है अगर प्रॉपरली इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या कोई भी टेक्निकल फॉल्ट वहाँ पे हो गया। इंटरनेशनल टाइम जोन, जी हाँ, इंटरनेशनल टाइम जोन के हिसाब से हमें क्या करना है, मीटिंग को कंडक्ट करना होता है। जैसे आपने देखा होगा टाइम में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा किसी कंट्री, जैसे सपोज यहाँ पे मैं बात करता हूँ इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की, तो टाइम में थोड़ा क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या है, मीटिंग को इस हिसाब से कंडक्ट करना होगा ताकि दोनों पार्टी के कंसेंट के साथ हम मीटिंग को होल्ड कर सकें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने खाली ये टाइम दे दिया, लेकिन आपको दूसरी कंट्रीज में जो जिनके साथ मीटिंग करनी है वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग भी सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट सेटअप, जी हाँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी सेटअप, मॉनिटर स्क्रीन, माइक्रोफोन्स, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या हैं, हाई कॉस्ट पे करती हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको हाई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है किसका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जब भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो आपके सारे इक्विपमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, माइक्रोफोन प्रॉपर होना चाहिए, कैमरा प्रॉपर होना चाहिए, मॉनिटर स्क्रीन प्रॉपर होनी चाहिए, और साथ के साथ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी यू हैव टू यूज व्हाइल यू आर कंडक्टिंग और यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द डे टू डे वर्क एंड द डे टू डे मीटिंग्स इज यूज बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट, ठीक है, टू कंप्लीट देयर ऑब्जेक्टिव्स, ओके।